साधु शरीर से मानता है, आत्मा से नहीं। बाला साहेब ठाकरे जो है वो वास्तव में एक शेर थे। हिंदू को जो है वो कभी मरा नहीं है और कभी मरेगा भी नहीं। माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे का उसमें कोई कसूर नहीं है। शेर एक बार आवाज निकाल देता तो भारत बंद हो जाता। इनको तो लगता है जितने मर जाए साधु उतना अच्छा। आज हमारा परम सौभाग्य कि हम आज जुने अखाड़े के जगत गुरु सूर्याचार्य जी को मिलकर उनसे जो आज जीवन में महामारी का जो प्रकोप हो चुका है, संक्रमण हो चुका है, उस चीज को गुरु जी किस प्रकार देखते हैं, गुरु जी से मार्गदर्शन करना चाहते हैं, गुरु जी का पावन संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, क्या बताएंगे गुरु जी आप? मैं जगत गुरु सूर्याचार्य कृष्णदेव नंदगिरी महाराज, जो महामारी का प्रसंग पूरे विश्व में हो रहा है, इसे देखते हुए हम सभी साधु संत महात्मा आज भगवान से प्रार्थना करते आए हैं कि इस कोरोना से दूर हो, महामारी से दूर हो लोगों, और जितना जल्दी कोरोना मुक्त हो जाए इतना ही हम भारत तथा विश्व के अंदर एक शांति का संदेश देना चाहते हैं। संदेश में हम ये कहते हैं कि आप नित्य से भगवान सूर्य देव का दर्शन कीजिए, सबसे पहली बात। उसके बाद आप कम से कम सूर्य के धूप में आधा घंटा रहिए। नित्य सुबह में आधा कप गोमूत्र लीजिए। आपके घर के अंदर आप रहकर एक घंटे के बाद जब आप नाश्ता करेंगे तो नाश्ते में आप नींबू डाल के एक गिलास पानी पीजिए हर व्यक्ति। दिन में चार बार ऐसा करिए और रात को सोते समय दूध के अंदर हल्दी डाल के आप पीजिए। इतना जो कार्य करेंगे आप तो आपके घर में कोरोना आएगा ही नहीं, क्योंकि आप कोरोना का पहला ही बंदोबस्त कर दिया है। फिर आप बाहर भी जाके आएंगे तो कोई तकलीफ नहीं है, पर जान के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारिए। आज यदि अगर भारत सरकार ने या आपके राज्य के मुख्यमंत्रियों ने यदि अगर आपको छूट दिए है तो कुछ समय के लिए दिए है, और इस बात को आप समझिए, यदि अगर आप इस बात को नहीं स्वीकारे तो आने वाले 30 तारीख से आपकी आपदा एक गुना नहीं, दो गुना नहीं, 10 गुना नहीं, 100 गुना बढ़ने वाली है। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं आज कह रहा हूं। गुरु जी आपने कुछ समय पहले बताया था कि 15 मार्च के बाद, अभी जैसे हमने कहा था 15 मार्च को हमने फेसबुक लाइव से कहा था कि 15 मार्च से लेके 15 अप्रैल, 15 मई और 15 जून तक ये महामारी कम हो, और आप पूरा देश देख रहे हैं कि महामारी मुंबई में 6.35 थी, अब 3.25 है, यानी आधा आ गई है। थाना के अंदर परसों हमने वहां के जो जिला प्रमुख शिवसेना की थी अनिता बिरजे, उन्होंने हमको फोन किया 4 दिन पहले, यहां रोज बढ़ रहा है, आप हमारे गुरु हैं, आप थाना में साधना करते हैं, आप महाशिवरात्रि का कार्य करते हैं, और आप महाशिवरात्रि का यहाँ पर जो अनुष्ठान करते हैं इसका पुण्य कुछ थाना में है या नहीं है, या थाना जिला में आपका ध्यान नहीं है, ये बताइए। तो
तो हमने उनको कहा आज के बाद आपकी यहां महामारी कम हो जाएगी। तो गए 3 दिन का आप रिकॉर्ड निकाल के देखिए, महामारी रोज कम होते कल एकदम ही कम हुई है। तो गुरुओं का कर्म तो आपके साथ है, पर गुरुओं को मानने के बाद ही आपका कर्म होता है, गुरुओं को बोलने के बाद ही गुरु अपना काम करते हैं, और आपने किया हुआ पुण्य कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। इसलिए गुरुओं के शरण में रहिए। जब गुरुओं के शरण में रहेंगे तो आपका तारणहार नारायण बैठा है और आपकी सभी की सुरक्षा उसमें होने वाली है। तो ये हमने लोगों को कहा है और ऐसा ऐसा हो भी रहा है। अब 15 जून को हमारा जब जन्मदिन है तो हमने लोगों को कहा है कि जन्मदिन के बाद आप लोगों को इतना ही श्वास लेने की जगह है और 15 दिन आप अच्छे से घूम सकते हो, लेकिन 30 तारीख के बाद आपके पास महामारी का बड़ा तान आने वाला है। आप घर में रहिए, वरना रास्ते पे मौत की एक बॉडी उठाने के लिए एक आदमी नहीं मिलेगा, इतना समय आने वाला है। इसलिए बच्चे से पहले तो बच्चे को संभालिए। दूसरा, वृद्ध वृद्धों को संभालिए, घर से बाहर जाने ही मत दीजिए। नहीं गया स्कूल, नहीं गया, पर महामारी में गया तो सीधा ऊपर गया। तो ये प्रसंग आने से पहले आप ये बात को ध्यान रखिए कि जैसे बच्चे हैं वैसे ही वृद्ध है। जैसे वृद्धों को संभालोगे वैसे बच्चों को संभालो, जैसे बच्चों को संभालोगे वैसे वृद्धों को संभालो, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है, हिंदू सनातन धर्म की ये संस्कृति है कि हमारे माता पिता बुजुर्गों को हम संभालना है। इसका है नाम हिंदुत्व है। और आप सब लोग जो है ये सनातनी है, आपका कोई सनातनी का कोई धर्म नहीं है। सनातन सनातन है, तो सनातन के जैसे आप एक दूसरे के साथ रहिए। अपना दुख सुख एक साथ बांट लीजिए। यदि ये दुख का समय बहुत है तो भी इसको बहुत सुख का समय ऐसा करके स्वीकार करिए, अपने आप कोरोना भाग जाएगा। ये संदेश है मेरा। गुरु जी, कहा जाता था हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे जब जीवित थे उस समय पर सनातन धर्म संत महात्मा इस पावन धरती पे सुरक्षित थे, इसके बारे में आप क्या बताएंगे गुरु जी, क्या मार्गदर्शन करेंगे आप? देखिए, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जो है वो वास्तव में एक शेर थे, और देश की ऐसी कोई ताकत नहीं थी कि वो शेर के मुंह में हाथ डाले। शेर एक बार आवाज निकाल देता तो भारत बंद हो जाता था, फिर महाराष्ट्र बंद होने लगा। आज वो स्थिति जो है नहीं रही, उसमें उनके बेटे का कोई कसूर नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे का उसमें कोई कसूर नहीं है। जिन लोगों के साथ उनका अलायंस है उसमें सबसे बड़ा अलायंस कांग्रेस है, और कांग्रेस जब चाहता है कि हमारे ईसाई के वर्क में आप ध्यान नहीं देंगे। जब 2 साधु की हत्या हुई, 3 साधु की हत्या हुई, 5 साधु की हत्या हुई, और अनिल देशमुख जाके वहां सर्वे करके आए, लेकिन आज महीना हो के गया है, पब्लिक में किसी के पास उसकी जवाब की एक कॉपी नहीं है। जब मेरी बात आपके साथ स्पष्टता से है,
कि इन टेबलों पर साधुओं को सुरक्षा मिलना चाहिए, ऐसा सारा संतों के अखाड़ों से भी इनके पास पत्र दिए हुए हैं। इन्होंने बताने दो कि महाराष्ट्र के अंदर किसको हमने सुरक्षा दिया है, किन संतों को सुरक्षा दिया है। इनको भय लगता ही नहीं है, इनको तो लगता है जितने मर जाए साधु उतना अच्छा। लेकिन साधु शरीर से मानता है, आत्मा से नहीं। हिंदू तो जो है वो कभी मरा नहीं है और कभी मरेगा भी नहीं, ये ध्यान रखिए। इसलिए जिसको जितना करना है वो अपने ताकत में करे, हिंदुत्व के ताकत में करे, राष्ट्र की ताकत में करे। साधु संत ये राष्ट्र की शक्ति है, साधु संत ये राष्ट्र की शक्ति है, और राष्ट्र की शक्ति का संगोपन करना, इस राष्ट्र के अंदर जो भी जो राज्य हो या भारत सरकार हो, ये इसकी नैतिक जवाबदारी है। पर इस जवाबदारी से कुछ लोग अपना पल्ला झाड़ के लोगों के साथ में घूमते हैं, ये उनकी बदनसीबी है। यदि मर्द की मर्दानगी है तो खुल के सामना करो हिंदुत्व के लिए, चाहे वो कोई भी हो। बन के दिखाओ शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की जगह कि क्या हिंदुत्व होता है। एक आंदोलन बाला साहब ने यहां चालू किया था, हटाओ लुंगी बजाओ पुंगी, उस समय हम थे, वो दिन हमको याद है कि किस तरह से उन्होंने मराठी आदमी के पीछे खड़े हुए थे। और आज हम कहते हैं जो आपके राज्य में रहता है वो आपका है, आप उसकी सुरक्षा करिए। वो किसी धर्म का है, किसी जात का है, किसी पात का है, उसे कोई मतलब नहीं है। जो आपके राज्य में है वो आपका है और वो आपके मानेगा, आप उसकी सुरक्षा करिए। ये कौन से राज्य का साधु ये मत देखिए, ये आपके राज्य का साधु है, यही प्रमाण रखिए। हमारे संत परिवार से महंत योगी साधु संतों को पेंशन दे रहे हैं। यदि हिंदुत्ववादी सरकार यहां भी है और बाला साहब ठाकरे का परिवार है, तो मैं चाहता हूं कि इस महाराष्ट्र के अंदर भी हिंदू की सुरक्षा, संतों की सुरक्षा, और संतों को वो भी ऐसा ही मानदंड दे, उनका सम्मान करे, उनका आशीष ले। अगर संतों का आशीष इनको मिला तो इनकी कभी हार ही नहीं है, ये मेरा सत्य वचन है और इसको स्वीकार करना चाहिए। ऐसे मेरी इस राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे से कहना है। महाराज से पूछना चाहते हैं कि किस प्रकार शासन प्रशासन यहां पे दुर्लक्ष करते हैं, गुरु जी आप क्या बताएंगे इस बारे में। ऐसा है, गंभीर विषय है और शासन इसके प्रति गंभीर है, और गंभीर है तो अभी इतने दिन बीतने के बाद माननीय गृह मंत्री जी अनिल देशमुख जी जाके आने के बाद आप 105 लोगों में से कितने लोगों को आपने पकड़ा है अलावा, और जो पकड़े हैं उनका क्या हुआ, ये पब्लिश क्यों नहीं हो रहा है, किसके कारण ये नहीं हो रहा है। अभी तक लॉकडाउन होने के बावजूद, आपका सर्च ऑपरेशन होने के बावजूद, आपके एसपी गौरंग जी बोलते हैं कि हमारा सर्च ऑपरेशन चालू है। क्या ये पूरा भारत में सर्च ऑपरेशन हो रहा है क्या, इतनी पहाड़ को आप चारों बाजू से घेर के कर रहे ऐसा बताए थे, क्या हुआ, आप क्यों नहीं जवाब देना चाहते हैं, कौन आपको ये जवाब देने से रोक रहा है, क्या संतों की मजबूरी है आपके सामने, क्यों आप इनको उत्तर देना नहीं चाहते हैं।
मेरे जूना अखाड़े के हरिगिरि महाराज जी ने आपसे सवाल पूछे थे, पत्र भेजा था, वो इंतजार कर रहे हैं आपके पत्र का कि क्यों नहीं अभी तक हमारा जवाब आ रहा है। तो आज उन्होंने पूछा है कि क्या हुआ, उनसे पूछिए। तो आपके माध्यम से द्वारा हम उनको पूछ रहे हैं कि क्या साधु संतों के कितने लोग अभी नए पकड़े गए हैं, क्या 105 के बाद कुछ और पकड़े हैं या नहीं है, सर्च ऑपरेशन में कुछ मिले या नहीं है, और नहीं मिले तो कहां गए, इसका आप जवाब देंगे या नहीं देंगे। गुरुजी, मॉब लिंचिंग के जो मामले सामने आए हैं उसमें यही टारगेट समझ में आता है कि संतों पर हमले हो रहे हैं, उसके लिए किस प्रकार आप क्या मार्गदर्शन करते हैं? भाई, इसमें संतों को तत्काल सुरक्षा आपको देनी एक कंपलसरी है, और वह संत पुलिस होने के बाद भी सुरक्षित नहीं रहे, ये आपने देखा है, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। अने इसके अंदर आप जानते हैं कि संतों को कितना तकलीफ है और संतों की सुरक्षा कितनी महत्वशील है, आपने पूछा है इसलिए अभी जवाब देता हूं। आपको एक बात उजागर करता हूं कि केंद्र शासन ने महाराष्ट्र शासन को मुझे सुरक्षा छेड़ देना चाहिए ऐसा एक पत्र 2010 से आज तक 3 रिमाइंडर इस 2019 में दिया है। गुजरात सरकार मुझे पूरी सुरक्षा देता है, भारत के और राज्य में जाता हूं तो मुझे सुरक्षा मिलती है, मैं महाराष्ट्र का जन्म हुआ इंसान, महाराष्ट्र के मुंबई में रहता हुआ इंसान को महाराष्ट्र शासन आज तक सुरक्षा नहीं दी। अब जनवरी में मेरे पर हमला हुआ, माननीय गृह मंत्री जी के पास उसकी कॉपी है, मुख्यमंत्री जी के पास उसकी कॉपी है, केंद्र से भी उनके पास ये कॉपी आई है कि इनको सुरक्षा दिया जाए, लेकिन ये सुरक्षा आज तक नहीं दे रहे, इसके पीछे किसका कारण है, कौन है, ये तो जवाब दीजिए, लिखित में दीजिए, नहीं तो मीडिया के सामने आके बोलिए, आप बोलते ही नहीं है। तो साधु सुरक्षित है कहां? यदि साधु सुरक्षित होते तो साधु के ऊपर इतने बार हमले नहीं होते, और इतने बार हमले हुए हैं तो भी आप जाग नहीं रहे, ये साधु के लिए बहुत अन्यायकारी बात है। और इस अन्याय को मेरे हिसाब से माननीय उद्धव जी ठाकरे इसके ऊपर तत्काल डिसीजन लेंगे, साधु संतों को बुला के हमारा एक बैठक करें। मैं जगत गुरु है जूना अखाड़े से, मेरे सभी महामंडलेश्वर मुंबई में भी है, महाराष्ट्र में भी है, और महाराष्ट्र के बाहर से भी आएंगे, आप हमारे तारीख दीजिए, मैं सभी को ये बात बताऊंगा, आप हमारे संत समाज को संबोधित करिए कि हम क्या करेंगे संतों के लिए, मेरी विनंती है उनको, आप उनको कह दीजिए। सभी चैनलों द्वारा इस बात का खंडन तत्काल होना चाहिए कि संतों को सुरक्षा नहीं देना, ये कल नहीं आज से ही ये धोखादायक बात है। तो मैं माननीय गृह मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से आपके द्वारा विनती करता हूं कि आप तत्काल इस बात का आने वाले कैबिनेट में विचार कीजिए, और संत सुरक्षा के लिए जो भी कर सकते हैं वो आप बोल दीजिए। अब कोरोना में आप व्यस्त है, हम आपको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहते थे, इसलिए आज तक हमने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, पर आज हमको बोलने का, आज कोरोना आपने मुक्त करने के लिए आज पूरा लॉकडाउन खोल दिया है, इसलिए ये पत्रकार मेरे पास आए हैं, और मैं ये पहला बाइट आपके लिए दे रहा हूं, आप इसे स्वीकार करके आप इसका न्याय दीजिए, ये मेरी प्रार्थना है, ये आपको आशीर्वाद है। धन्यवाद।